हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज इन पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट में नेम चेंज करवाना है, यहाँ पे कई सीनेरियोज होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपके पासपोर्ट का रिन्यूअल आ गया। जब रिन्यूअल करवाने जाते हो, या तो आपकी शादी हो गई होती है आपने, या फिर सरनेम लगाना होता है, या फिर आपके पुराने किसी डॉक्यूमेंट में नेम का मिसमैच होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, किसी में सरनेम लगा होता है, किसी में नहीं लगा होता है। तो आजकल क्या हो रहा है, पासपोर्ट वाले सीधा आपको क्या बोल देते हैं कि भाई गजट लेकर के आओ, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा। नंबर दो पे कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके फादर नेम में कोई मिसमैच है, कहीं पे कोई मिस्टेक है, चाहे आप पासपोर्ट नया अप्लाई कर रहे हो या फिर आप रिन्यू करवा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि वो आपको बोल देते हैं कि आपके फादर का भी हमें गजट चाहिए, कि ये जो नाम है वो उनका भी ये सही है, या फिर नेम चेंज करवा लिया। तो इन सब केसेस में कैसे आपका क्या सोल्यूशन मिलेगा, किस तरीके से आपका पासपोर्ट में नेम चेंज होगा, अगर वो गजट मांग लेते हैं और आप पूछते हो कि गजट कहाँ से बनेगा, तो वो बोलते हैं इसका हमें नहीं पता, हमें तो गजट चाहिए। देखिए, पासपोर्ट में नेम चेंज करवाना है या फिर सरनेम लगाना है या फिर सरनेम को हटवाना है, तो अगर आप नया पासवर्ड बनाने के भी सोच रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच है, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि आपको सामने से यही ऑब्जेक्शन आएगी कि आप गजट लेकर के आइए, तभी हम आपका काम करेंगे। अदरवाइज आपकी जो फाइल है पासपोर्ट की, वो पेंडिंग रहेगी, जो रिन्यूअल है वो पेंडिंग रहने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे केसेस को फेस कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आपके रिलेटिव्स में किसी के साथ होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस एरिया से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ताकि जो दूसरे हमारी ऑडियंस है उनको भी ये पता चल सके कि कहां कहां पे ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। तो देखिए, इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हो, तो इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो गजट का फाइल का काम है कि देखिए, गजट क्या होता है, गजट की पब्लिकेशन होती है। दो तरह के गजट होते हैं, एक स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है। स्टेट का, आप मान लो मैं पंजाब से हूं, तो एक पंजाब स्टेट का गजट छपता है। अगर आप महाराष्ट्र से हो, तो एक महाराष्ट्र का गजट छपता है। और एक होता है सेंटर का गजट। तो जो सेंटर का गजट है, हम ऑलवेज उसी को रेकमेंड करते हैं और उसको हर कोई बहुत ही आसानी से और जल्दी से एक्सेप्ट करता है, पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है। तो सेंटर का ही गजट आपने बनवाना है। सेंटर का गजट बनवाने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो जहां कहीं पे भी आपका मतलब टाइपिंग वगैरह का काम होता है, या कोर्ट्स में, जहाँ कहीं भी आपके एरिया में, वहाँ पे पहले पता कीजिए कि वहाँ पे कोई आपकी गजट की फाइल बनाता है या नहीं बनाता है। यहाँ पे 70-80% जगहों पे लोगों को पता ही नहीं कि गजट की फाइल कैसे बनेगी, लेकिन गजट मांगने वाले सामने से निकल करके आ जाते हैं। तो जो गजट बनवाना है, उसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे बनता है। गजट बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एफिडेविट बनाना होता है कि जो भी आपका गलत नाम है, स्पेलिंग वाला जो भी है, वो उस नाम से आपका बनेगा। और साथ में आप ये नोटिफाई करते हो कि आपने अपना जो नाम चेंज है, आज से आपका ये नेम रहने वाला है, एफिडेविट बनेगा। उसके बाद में न्यूज़पेपर में एक ऐड जाएगी। अब जिस भी एरिया में वो न्यूज़पेपर वहाँ पे सर्कुलेट होता होना चाहिए, एक ही न्यूज़पेपर की ऐड काफ़ी है, दो न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक इंग्लिश में दे दो, एक हिंदी में दो, नहीं, सिर्फ एक न्यूज़पेपर इनफ है। न्यूज़पेपर की ऐड दे दी, एफिडेविट पहले बन गया। इसके अलावा गजट की फाइल के कुछ परफॉर्मेंस होते हैं, उन परफॉर्मा को डाउनलोड करना होता है, विटनेसेस के साइन चाहिए होते हैं, एक डिजिटल सीडी बनती है, जो हम पहले चलाते थे सीडी वाली कैसेट, उस सीडी में एमएस वर्ड के फॉर्मेट में आपका जो नेम चेंज का मैटर है उसको डाला जाता है। उसको डालने के बाद सीडी बन जाती है, फिर नेम चेंज का यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बनता है जो टाइप करके बनता है, एक रिक्वेस्ट लेटर लगती है, और एक दो और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दो आईडी प्रूफ आपके लगते हैं। ये सारी फाइल कंप्लीट होने के बाद आपकी गजट की जब फाइल बन जाती है, आप इसको दिल्ली जो गजट ऑफिस है कंट्रोलर का, वहां पे जाकर के इसको आप सबमिट करवाते हो। और यहाँ पे अगर तो नॉर्मल नेम चेंज है, विदाउट सरनेम है, या फिर माइनर का केस नहीं है, तो 1100 की आपकी रसीद कटेगी गवर्नमेंट, तो वो 1100 प्लस वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद जमा होने के बाद 1.5 से 2 महीने में आपकी जो फाइल है, की जो आपका गजट है, वो पब्लिश हो जाता है, जिसको आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब प्रॉब्लम यह है कि फाइल बनाना तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सही फाइल हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे एरिया में कोई है ही नहीं बनाने वाला, इसका सोल्यूशन क्या है। वैसे तो ऑनलाइन काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, यूट्यूब पे भी आप देखोगे बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे लोगों से स्कैम भी हो रहा है कि जब आप पेमेंट डालते हो, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और आपका फ़ोन नहीं उठाते, आपका काम नहीं होता है, फिर लटकाते रहते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी यूज़र्स हैं जो उनको बोला जाता है कि आपकी फ़ीस अभी जमा नहीं हुई है, बैच में लगा हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा, समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फाइल
अगर आपको बनवाना है किसी भी रिप्यूटेड एडवोकेट से बनवाए, अगर ऑनलाइन भी अगर आप बनवाने जा रहे हो तो आप चाहो तो हमसे भी बनवा सकते हो। मैं खुद ऑल ओवर इंडिया में फाइल्स बना करके उनको हम कोरियर कर देते हैं, तो आपको दिल्ली जाके जमा करवाना होता है, अगर दिल्ली जमा भी नहीं करवा सकते हैं तो उसका भी ऑप्शन होता है हमारे पास, किस तरीके से आपको दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, आपकी फाइल जमा भी हो जाएगी और 40 डेज के अंदर अंदर जो हम काम है ये करवा देते हैं। इसके हमारे क्या चार्जेस हैं उसकी डिटेल जानने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे क्या क्या प्रोसेस है। और मैसेज करते टाइम कॉल करने के लिए आप ज़्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो अगर आपको कॉल पे बात करना है, आप सच में काम करवाना चाहते हो, प्रॉब्लम में फंस चुके हो, उसकी हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस है 500 रुपीज़ की, वो पे करके डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन पे बात करके अपने केस को डिस्कस कर सकते हो। और ये मैं 500 आपसे लूँगा कंसल्टेशन, जब आप फाइल बनवाओगे ना तब मैं उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा चार्ज लेना भी नहीं चाहते। बट यहाँ पे क्वेरीज इतनी ज़्यादा आती हैं कि जिनको नहीं भी करवाना रहता है तो हम किसी को भी अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं। अगर आप हमसे फाइल का काम करवाते हो तो प्रॉपर मैं खुद आपको कॉल बैक करता हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो पूरा हम हैंडल करते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्शन कोई आती नहीं है, अगर हमारे केस में ऑब्जेक्शन आती भी है तो उसका सोल्यूशन भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर A to Z हम काम करते हैं, फाइल बना करके देते हैं, जब तक आपका गजट पब्लिश नहीं होता आपके साथ रहते हैं। तो आप चाहो तो हमसे इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो। और वैसे ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स दो आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, बाकी परफॉर्मे है, फाइल बनेगी। नो डाउट फाइल का बनाना काम कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी भी गलती होती है तो ऑब्जेक्शन लग जाती है, हर नेम चेंज का हर केस के हिसाब से मैटर वो चेंज होता है, थोड़ा बहुत उसमें माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर कोई माइनर है तो वो पेरेंट्स की तरफ से लगता है, अगर कोई सरनेम का केस है, कोई एलियस वाला केस है, तो हर चीज़ का अलग अलग फॉर्मेट है, तो कोई एक से नहीं चलता है कि आप कहीं से मैटर उठा लो। इवन अगर ऑनलाइन देखते हो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं जो कि आज के टाइम में वो चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि 2 न्यूज़पेपर की ऐड बोला जाता है, अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर की ऐड काफ़ी है जो कि आपके एरिया में सर्कुलेट होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फाइल बनेगी, सबमिट हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा, और जब गजट पब्लिश हो जाता है तो उसकी कॉपी लेकर के आप पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा। पासपोर्ट ऑफिस में जब लेकर के जाएंगे वहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, उस गजट नोटिफिकेशन की मदद से पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, हर जगह पे आपका नाम चेंज हो जाएगा। इवन जो आपकी पुरानी मार्कशीट्स रहेंगी वो वही रहेंगी, लेकिन वो चलेंगी नए नाम के साथ, जहाँ कहीं भी उसको दिखाना होगा साथ में गजट की कॉपी ले आइएगा, नए नाम के साथ आपका पुराना मार्कशीट चल जाएगा। कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ भी करना है, गजट की कॉपी साथ में लगाइएगा, आपका काम कहीं पे भी नहीं रुकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लॉ रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।